फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मोहरी बनाना बताएंगे। जो हम बढ़वा मोहरी लगाते हैं सलवार में, अगर सलवार छोटी भी हो जाए तो उससे हम बड़ी कर सकते हैं और इसे अपने नाप की सलवार में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बुकरम कट किया है। जो बुकरम की लंबाई ली है हमने, वो हमने 16 इंच ली है, और जो बुकरम की चौड़ाई ली है वो हमने 2 इंच लिए है, और जो हमारे सलवार की मैचिंग का कपड़ा है वो हमने यहाँ से देखिए 2.5 इंच लिया है, और जो हमारे कुर्ती का कपड़ा है डिजाइन के लिए वो हमने 3 इंच लिया है। लंबाई हमने तीनों चीज़ों की बराबर रखी है। तो सबसे पहले हमने कुर्ती के कपड़े को रखा है, ऊपर से हमने जो हमारे सलवार का कलर है वो कपड़ा रखा है, और फिर बुकरम को रखेंगे इसके ऊपर और तीनों के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तीनों को बिल्कुल एक साथ रखते हुए तीनों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, इसके बाद इसे पलट करके इस तरीके से रखेंगे तो इसमें नीचे की तरफ पाइपिंग निकल के आएगी इस तरीके से, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, देखिए वो हमारा पाइपिंग में आ गया है। ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इसके ऊपर इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर पाइपिंग निकालते हुए। और इसके पास में एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई के लिए 1/2 इंच छोड़कर तब लगाएंगे सिलाई को। पर हमने सिलाई के लिए छोड़ दिया है जो हमारा सलवार में जॉइंट होगा। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से हम कैसे लहर बनाते हैं चलना है। इसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। देखिए इस लहर को हमें इस तरीके से करना है। ये देखिए, जैसे लहर को हमने पहले इधर घुमाया था तो उस दूसरी वाली लहर को इस तरीके से घुमाना है ताकि इसमें अच्छे से शेप बनती आए। जैसे ये वाली हमारी यहाँ से इस तरीके से है तो वो वाली हम इस तरीके से लेंगे यहाँ पर। और
इसके बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे। अभी देखिए दोनों मोहरी हमने तैयार कर लिया है, इसके बाद इसे सलवार में अटैच करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर इसे रख लेंगे और तब इसे अटैच करेंगे। और देखिए जो सिलाई हमने इस पे लगाई थी ये हमारे दिख रही है, इसी के ऊपर सिलाई को चलाना है। और ये हमें सीधे कपड़े की तरफ रखनी है ताकि पलट करके देखिए इस तरीके से सीधी आएगी। अब देखिए इसको इस तरीके से पलट करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे सीधी ताकि अच्छे से बैठ सके। और इसी तरीके से हम दूसरी वाली मोहरी को लगाएंगे। अब देखिए इसकी फिटिंग करेंगे। अब जैसे देखिए हम अपनी मोहरी जो नीचे से खुली रखेंगे वो 6.5 इंच रखेंगे, तो इसमें देखिए हमें इस तरीके से लेके जानी है सिलाई को, जो बिल्कुल सीधा नहीं लेना है, इस तरीके से ऐसे आधा करके लेना है सिलाई को, इसी तरीके से सिलके से तैयार करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।